नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं बलिया जिला में, और ये जो गांव है एक तरह से बिहार और यूपी का बॉर्डर लग जाता है, लेकिन है ये बलिया में यूपी में, और यूपी में चुनावी माहौल है, चुनाव का दौरा चल रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ पे एक तमाम एक तरह से बाजार है, और इस बाजार में उपस्थित है। आइए, लोगों से राय जानते हैं, तो लोग किसकी सरकार चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार किसी की बताइए भाई, बहुत पार्टी लड़ रही है यहाँ पर चुनाव, किसकी चाहते हैं? अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश की सरकार ही चाहते हैं। और भी लोग हैं, ये हम थोड़ा चाट का दुकान है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि लोग किसकी सरकार चाहते हैं, और किसकी सरकार चाचा किसकी सरकार चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं? तो गांव के मतलब कुछ तो मत होगा ना, प्लान बना होगा ना, अब 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। कौन छाप पर देखोगा, किसका इस बार प्लान बना है? जो गांव के लोग बताएगा कि किसका, आपको अकेले जाना है, वोट देना है, चले आना है, कौन बताएगा? घूम घूम को बताया जाता है कि फलाना को दीजिए। अच्छा, ऐसे होता है यहाँ पे। अच्छा, इनके अनुसार मतलब घूम घूम के लोग बताएंगे कहाँ किसको चाहते हैं इस बार? हम तो मोदी जी के चाहते हैं। मोदी जी के कहाँ है? अरे कहाँ है, सरकार बढ़िया, प्रधानमंत्री है, इसलिए हम चाहते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री का रोल नहीं है ना, यहाँ मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के तो योगी जी बने। किसकी चाहते हैं सरकार भाई? अरे वही है। कौन जो चाहते हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं। क्या है कारण, कुछ बताइए। कारण हर चीज का सुविधा दे रहे हैं, हर चीज का सुविधा, राशन वाशन फ्री मिल रहा है, इसलिए राशन फ्री मिल रहा है, कोई नहीं चाहिए। अच्छा, महंगाई है, उस पर ध्यान नहीं है, महंगाई बढ़ा है तो? अरे बढ़ा है तो उसी के अनुसार हर चीज होगा। अभी आलू किन्ने जाइएगा तब 1214 रुपया मिलेगा, तो महंगा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सरकार चाहते हैं भाजपा को? कारण अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार, काम बढ़िया कर रही है। राम मंदिर बना दी। आइए, नौजवान लोग हैं, नौजवान लोग भी वोटर लिस्ट में नाम हो गया है ना? हाँ, हो गया है। तो किसको वोट दे रहे हैं? हम तो सपा को देंगे। सपा को कहाँ, यहाँ तो भाजपा सब लोग बोल रहा है, हम तो सपा के देंगे। तो मैंने कहा है कारण बताइए। लोग तो बोले कि मतलब बढ़िया सा भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, भविष्य बनाने के चक्कर के वजह से हम लोग सपा को वोट देंगे। तो सपा में जब इसके पहले पूर्व में सपा की सरकार थी, तो उस समय भविष्य बच्चों का बन रहा था ना? बहुत बन रहा था, एक से भर्तियाँ आती थी, और आज के डेट में भर्तियाँ कुछ भी नहीं आ रही। भैया कोई नहीं आ रहा, अभी तो जोगी जी बोल रहे हैं कि इतना रोजगार हम दे दिए, तो कहाँ गया रोजगार? खुद SSC GD कांस्टेबल का मैं खुद भर्ती देखा, उसमें उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसमें सब फाइनल में निकाल के बैठा। अच्छा, तो कुछ मिला नहीं? नहीं मिला। आइए देखिए, ऐसे भी लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट ऐसे भी करना चाहिए, इसकी सरकार चाहते हैं? सापा है जब कारण ठेला चला कोई भी आई तक ठेले चली। अच्छा, यही चाहते हैं सपा, आप किसकी सरकार चाहते हैं भाई? सपा की। कारण? कारण की ठीक है भाई, ठीक है, बीजेपी से ठीक है, भिकमंगा बना दिए हैं। ये तो राशन फ्री दे रहे हैं जोगी जी, जिसको चाहिए उसको चाहिए, राशन फ्री देश हो गया, राशन पास में चावल देश हो गया, अब मसाला तेल कौन देगा? अच्छा, नमको साथ फ्री दे रहे हैं जोगी जी को। अच्छा, मतलब सबका घर पे बुलडोजर चल रहा है, इसलिए बुलडोजर तो माफिया पर चल रहा है। अच्छा, मतलब भाई नहीं है डेली खबर बिहार दू गो है। इन लोगों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए, ठीक है? ये लोग भी मतदान उनका हकदार है, जितना एक मतदान का अधिकार एक मुख्यमंत्री को है, एक विधायक को है, उतने ही मतदान का अधिकार इन लोगों का भी है, लेकिन इन लोगों का ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई नहीं करता, हम खड़े हैं करने के लिए। भाई साहब, किसकी सरकार चाहते हैं? तो विकास माने किसकी?
जो ही विकास करेगा उसी की तो कौन विकास कर रहा है? क्या बोल रहा है? योगी मोदी जी कर ही रहे हैं, जो भी मोदी कर रहे हैं तो उनको बनाना है, वही बनाएंगे। अच्छा, इन लोगों का मत है जोगी मोदी काम कर रहे हैं तो ये लोग जोगी और मोदी को बना। देखिए और भी इधर भी लोग हैं, ये लोग पूछते हैं किसकी सरकार चाहते हैं। अर्थात आप मतदान नहीं करिएगा, मोदी सरकार के आदमी हैं। इसके बारे में आप कहिए, सोचिएगा महाराज 3 तारीख वोट देते वक्त मोहर बदल जाती है। अच्छा ना, तो बंद कमरे में जाके देना, बताने में कोई दिक्कत नहीं है? ये कमरे जाएगा तभी ना लोग जाने का। नहीं नहीं, ये वोट गुप्त मतदान है, इसको बताएंगे नहीं। मतलब किस मुद्दे पे ही तो बता सकते हैं ना, विकास के मुद्दे पे किस मुद्दे पे वोट होगा? जिसके अब हम जो अब जनता जैसा करे। अच्छा, जनता के लेकिन बूंदे बूंदे तालाब भरते, एक एक मत से जीत हार होती है। हाँ तो हारना होगा, देखो हार ही जाएंगे। तो इसीलिए ना आपसे राय लिया जा रहा है, समझा जा रहा है, जो बलिया की जनता है वो समझना चाहती है कि किसके तरफ मतदान है। देखिए अब जनता वोट देगी, खुद पता चल जाएगा। तो जनता तो देगी ही, आपको भी तो देना है। हाँ, दे देंगे जिसको देना होगा। अच्छा, जिसको मर्जी उसको दे दीजिएगा। लास्ट में नोटा का भी ऑप्शन होता है, देखिएगा। नोटा वोटा को नहीं, नोटा नहीं देना है। किसकी सरकार चाहते हैं भाई? किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो सरकार ये चाहता हूँ इसलिए में कि जो भी विकास करे, हमें विकास करता हूँ ताकि यहाँ पे जितने भी युवा लोग हैं सबकी ये समस्या है कि एक्चुअली में 3 साल में जो भी कोई वैकेंसी भी नहीं आई है ना। हमें कहने कोई भी सरकार आए, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हमें कहने का मतलब वो आवे। आने का मतलब ये है कि यहाँ पे विकास है। अच्छा, हमें बस यही मुद्दा है हमारी, विकास, विकास का मुद्दा है। तो जोगी जी विकास किए हैं कि ना? 5 साल विकास तो किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बात है विकास किए और उसके साथ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक्चुअली में जो बच्चों का भविष्य है, 3 साल जो बच्चे 3 साल तक का मेहनत किए हैं और कोई वैकेंसियां ना लिखे, ऐसा बात होता कह रहे कि जो बच्चा पढ़ा है उन्हीं के लिए नौकरियां है, तो क्यों नहीं? 3 साल हर बच्चे ने भी तैयारी किया है और बच्चा भी तैयारी किया 3 साल के लिए। जब वैकेंसी नहीं तो बच्चे कहाँ से एडजस्टमेंट होंगे? हमें कहने का ये मत है। चार मुक्त सुशासन रोजगार जो देती है वही सरकार चाहते हैं। कौन ऐसा कर रहा है? कौन का जो करेगा वही कर रहा है। कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। किसको वोट दीजिएगा? देंगे जिसमें विचार करके देंगे। मतलब ऐसा ही कैसे दे दीजिएगा? किसी का तो मन बनाइए होंगे। आज आपका 26 है, 27, 28, 3 तारीख को वोट है, 1 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। देखिए कौन नेते का प्रचार गाड़ी है सर? नेता का है सब झूठ है। अच्छा, लेकिन नेता हम लोग यहाँ सब नाकामी है। सब नाकामी है, सब मतलब बढ़िया नेता नहीं है। भाई साहब।